सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आज वीडियो भाई होने वाला है OTT स्पेशल बिकॉज कुछ मल्टीपल मूवीज के अपन OTT एंड वीडियो रिलीज की बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अच्छा लगे वीडियो तो इसको लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बात करें सबसे पहले मूवी की जिसके बारे में रिसेंटली में काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि कब तक भाई अपने को OTT के ऊपर देखने को मिलेगी। मूवी का नाम है चंदू चैंपियन, जिसके अंदर लीड रोल में आप लोग को भाई कार्तिक आर्यन देखने को मिलते हैं। वैसे तो मूवी को काफी अच्छी तरीके से बनाया गया था, बट आप लोग बताए कि आजकल जो बायोग्राफी या फिर डॉक्यूमेंट्री वाली मूवीज होती हैं वो थिएटर में लोग कम ही देखना पसंद करते हैं, तो दैट्स व्हाई इसको बॉक्स ऑफिस पर उतना अच्छा रिस्पांस तो नहीं मिला, लेकिन जितने भी लोगों ने मूवी को देखा था उन्होंने तारीफ तो काफी ज्यादा करी हुई है इस मूवी की। सो अगर आप लोग इस मूवी को OTT पर देखना चाहते हो तो एज ऑफ नाउ जो रिपोर्ट्स आ रही है उनके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि अगस्त के फर्स्ट वीक के अंदर आप लोग को जो इसका OTT प्रीमियर है वो देखने को मिलेगा, एंड इसका जो OTT पार्टनर है वो Amazon प्राइम रहने वाला है। सो बात करें सेकंड मूवी की, तो उसका नाम है मुंजिया, एंड जिन लोगों ने भी इस मूवी को थिएटर में नहीं देखा एंड इसको OTT पर देखना चाहते हैं तो आप लोग लिए खबर अच्छी है कि आप लोग को लाइक मिड ऑफ अगस्त मतलब 15th ऑफ अगस्त के आसपास इसका जो OTT प्रीमियर है वो देखने को मिल जाएगा, एंड इस मूवी का जो OTT पार्टनर है वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार रहने वाला है। तो अगर आप लोग इसमें का वेट कर रहे हो देन आप लोग को अभी अराउंड एक महीने का इंतजार करना पड़ेगा। सो बात करें थर्ड मूवी की, तो उसका नाम है किल, एंड ये जो मूवी है थिएटर के अंदर करंटली काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिखा रही है। काफी कम बजट की मूवी है लेकिन जिस तरीके से इसको रिस्पॉन्स मिल रहा है उसे लग रहा है कि हाँ ऑडियंस को मूवी काफी ज्यादा लाइक इंगेजिंग लगी है, खास तौर से वो ऑडियंस जिन लोगों को एक्शन वाली मूवीज पसंद आती है। इस मूवी का जो एक्शन है वो आप लोग को एकदम हॉलीवुड लेवल का देखने को मिलेगा, तो अगर आप लोग इसमें को थिएटर में चेकआउट करना चाहते हो तो अभी भी जाकर देख सकते हो, मूवी थिएटर में लगी हुई है। लेकिन जो लोग भी इसमें को थिएटर में नहीं देख सकते हैं तो आप लोग के लिए भाई अच्छी खबर यह है कि आप लोग को इसका जो OTT रिलीज है वो थोड़ा जल्दी ही देखने को मिलेगा। पता जा रहा है कि अगस्त के लास्ट तक आप लोग को जो इसका OTT प्रीमियर है वो देखने को मिल जाएगा, एंड इसका जो OTT पार्टनर है वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार रहने वाला है, तो आप लोग को वही 29 से 30 अगस्त के बीच में ये जो मूवी है वो उस पर देखने को मिल जाएगी। बात करें फोर्थ मूवी की, तो उसका नाम है कल्कि, एंड इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बना रखा है। अब जिन लोग को भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आप लोग को भाई जो इसका हिंदी वर्जन है वो देखने को मिलेगा नेटफ्लिक्स के ऊपर, एंड एज ऑफ नाउ जो रिपोर्ट्स आ रही है उनके अकॉर्डिंग आप लोग को अगस्त के लास्ट तक इसका जो लाइक हिंदी में OTT रिलीज है वो देखने को मिल पाएगा, मतलब कि वही आप लोग को 25 अगस्त से 30 अगस्त के बीच का वेट करना पड़ेगा, उससे पहले ये आप लोग को नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को नहीं मिलेगी। सो बात करें फिफ्थ मूवी की, तो उसका नाम है क्वाइट प्लेस 2, एंड जितने भी लोग इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते थे आप लोग के लिए खबर अच्छी है कि आप लोग को 30 जुलाई तक इसका जो VOD प्रीमियर है वो देखने को मिल जाएगा। पहले बताया जाता है कि अगस्त के फर्स्ट वीक तक इसका VOD प्रीमियर होगा इंडिया के अंदर, लेकिन अब लग रहा है कि 30 जुलाई को ही आप लोग को जो इसका हिंदी वर्जन है वो भी VOD के ऊपर देखने को मिल जाएगा। अगर इसके रिलीज के अंदर कोई भी चेंजेस होंगे फिर वो मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। बात करें सिक्स्थ मूवी की, तो देखो भैया इसके ऊपर मेरे को क्वेरीज काफी ज्यादा आती है। मूवी का नाम है एवरग्रीन राइस। अब देखो इसका जो इंग्लिश वर्जन है वो तो आप लोग को जियो सिनेमा पर देखने को मिल जाता है, बट जितने भी लोग इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते थे आप लोग के लिए खबर अभी करंटली तो बहुत अच्छी सामने निकल कर नहीं आई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इसका जो हिंदी वर्जन है वो शायद आप लोग को जियो सिनेमा पर देखने को ना मिले एज ऑफ नाउ, बिकॉज ऑफ की काफी सारे वार्नर ब्रोस की मूवीज नेटफ्लिक्स के ऊपर हिंदी में रिलीज होती है, एंड अगर सेप्टेम्बर तक सब कुछ सही रहा देन ये मूवी आप लोग को फिर नेटफ्लिक्स के ऊपर हिंदी में देखने को मिल सकती है। अभी ज्यादा कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है तो इसके ऊपर हमको और इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आप लोग को बताऊंगा, बट अब जियो सिनेमा की तरफ से काफी मुश्किल है कि इसका जो हिंदी डब वर्जन है वो आप लोग को प्रेजेंट करा जाए। तो जितने भी लोग इसको हिंदी में देखना चाहते थे आई थिंक आप लोग ज्यादा उम्मीदें अभी करंटली ना रखो, अगर इंग्लिश लैंग्वेज में चलता है तो आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हो। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि और कौन कौन सी मूवीज हैं जिनका आप लोग को OTT या फिर VOD का अपडेट चाहिए, मैं आगे उनके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए अभी करंटली इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूं आप लोग अगले वीडियो में, तब तक लिटिल देन टेक केयर, बाय, पीस ऑफ।